हे गाइस, सो आज मैं इस फ्लोट सेंसर को यूज़ करके मोटर जो भी आपके घर में मोटर होता है उसको ऑफ करने के लिए एक ऑटोमेटिक सिस्टम बना रहा हूँ। तो ये एक फ्लोट सेंसर है जो आराम से अमेज़ॉन वगैरह पर मिल जाता है। एंड बेसिकली कैसे काम करेगा ये कि मैं इसको क्या करने वाला हूँ, टैंक में फिट करने वाला हूँ। तो टैंक में फिट करने पे कैसे काम करेगा कि ये देखो, इसका जो स्ट्रक्चर है ये कुछ इस तरह से मैं इसको फिट करूँगा, करेक्ट। तो ये जो इसको आप बोल लो फ्लोट, तो क्या होगा जब टैंक में पानी भर जाएगा तो ये ऊपर की तरफ आएगा इस तरह। और आपने आवाज़ सुना कट, ये देखो। तो क्या करता है जब ये ऊपर की तरफ आता है, तो यहाँ देखो ये, सॉरी मैं इस पर फोकस करता हूँ, यस यहाँ देखो ये राइट। तो ये वाला, तो ये जब मैं इसको, ये देख रहे हो वो स्विच को प्रेस कर रहा है, तो इससे क्या होता है, इसमें देखो तीन टर्मिनल्स हैं, 1 2 3। तो ये है कॉमन और ये है कि नॉर्मली क्लोज्ड और ये है नॉर्मली ओपन, राइट। तो क्या होगा कि जैसे ही स्विच प्रेस होगा ना, तो ये जो नीचे वाले पे जिस पे मैंने वायर लगा रखा है वो ऑफ हो जाएगा, करेक्ट, और ऊपर वाला ऑन हो जाता है। तो मुझे कैसे लगाना है कि जब तक टैंक में पानी फुल ना हो ये ऑन रहे, मतलब ये स्विच जो है कनेक्शन को क्लोज किए हुए रखे, यानी कि मेरा इस वायर का जो पावर आ रहा है वो इस वायर के थ्रू पास होना चाहिए। और जैसे ही पानी भर जाए, यानी कि जैसे ये फ्लोट ऊपर आए और जब ये स्विच प्रेस हो जाए यहाँ पे, तो क्या होना चाहिए कि यहाँ का पावर कट हो जाना चाहिए, यानी इस वायर पे पावर नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग, एक स्विच बना सकते हैं। ये इस तरह से क्या होगा कि ये जो स्विच है ना, ये हमारा जो सबमर्सिबल मोटर का आपका कंट्रोल बॉक्स होता है उसको, इस स्विच को क्या करेगा, ऑफ कर देगा, और इस तरह से हमारा मोटर ऑफ हो जाएगा। तो मैं दिखाऊंगा कि मैं सबमर्सिबल मोटर का जो कंट्रोल बॉक्स है उसमें कैसे कनेक्शंस कर रहा हूँ। फिलहाल ये फ्लोट सेंसर मैं ऐसे लगाने वाला हूँ, उसको मैं टैंक पे फिट करके दिखाता हूँ। तो देखो ये टैंक है, पानी का टैंक है, राइट। तो मैंने क्या किया है, इस पर एक होल कर लिया है ये। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये यूनिट और ये यूनिट अलग हो गया, खुल जाता है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो ये वाला यूनिट है, ये एक सेकेंड सॉरी या तो ये जो यूनिट है इसको इसको ऐसे ऊपर पकड़ के रखना है, और नीचे से ये वाले इसी वाले यूनिट को नीचे से टैंक के अंदर ले जाके लगा देना है। तो मैं इसको करके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो, मैंने हाथ अंदर डाल के ये वाला स्विच जो है नीचे से ऐसे लगा दिया, और अब मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर ये वाला स्विच इसको प्रेस कर दूंगा तो दोनों आपस में फिट हो जाएंगे, ठीक। और ये देखो इसका प्लंजर, आप देखना जब मैं नीचे से फ्लोट को प्रेस करूँगा तो उठेगा, ये देखो, देख रहे हो, ये देखो ऑन, सॉरी ये ऑफ है, ऑन ऑफ ऑन। तो ये होगा जैसे ही पानी भरेगा ये फ्लोट अपने आप ऊपर उठेगा और ये प्लंजर ऊपर उठेगा और यहाँ का स्विच, इसमें जो स्विच लगी हुई है वो दब जाएगी, और इस तरह से हमारा नीचे का जो कनेक्शन है वो ब्रेक हो जाएगा और इस तरह से मोटर बंद हो जाएगा। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ अभी। अब तो आप देख पा रहे हो, ये देखो ये मेरा जो है स्विच इसमें फिट हो गया, करेक्ट। कैसे, ये ऊपर है ये यूनिट, ये स्विच है, और नीचे मेरा फ्लोट यूनिट है। तो फ्लोट यूनिट भी दिखाता हूँ, ये देखो कैसे है, देख पा रहे हो। तो ये कैसे काम करेगा, ये जो नीचे पानी है ये पानी जैसे ऊपर जाएगा तो इससे क्या होगा, तो ये जो फ्लोट है ना नीचे लगी हुई, तो जैसे ही टैंक फिलअप हो जाएगा तो ये कुछ ऐसे काम करने वाला है। ये देखो ये ऊपर चला जाएगा ऐसे, और ये क्या करेगा, स्विच को प्रेस कर देगा। तो इस तरह से जैसे ही कुछ पल के लिए भी, 1 सेकंड के लिए भी अगर ये दब गया ना,
तो नीचे का कनेक्शन क्या हो जाएगा, जो मोटर में जा रहा है जिसकी वजह से मोटर ऑन रहता है वो ब्रेक हो जाएगा, और अगर 1 सेकंड के लिए भी नीचे का कनेक्शन ब्रेक हुआ तो मोटर अपने आप बंद हो जाता है। तो इस तरह से मैंने फ्लोट सेंसर लगा दिया और ये नॉर्मल पोजिशन में से गिरा हुआ रहता है, यानी स्विच इस समय खुला रहता है जो इसका प्लंजर है। तो अब मैं नीचे कंट्रोल बोर्ड में लगाऊंगा, और इससे क्या होता है, दो वायर जाती है, देखो इससे दो वायर जा रही है, और दोनों वायर को कैसे लगाया है, एक को इसमें लगाते हैं ऊपर वाले में, ठीक है, एक को ये ऊपर लगाया है यहाँ पे, और एक को लगाया है नीचे। तो अभी क्या है, अगर आप कंटिन्यूटी चेक करोगे तो इस पर भी पावर आएगा, इस पर आएगा, मतलब दोनों आपस में शॉर्ट हैं, और जैसे स्विच दबेगा ना तो यहाँ से जो पावर इस पर जा रही है वो नहीं जाएगी। तो हमने इसी फंडामेंटल को यूज़ करके, इसी प्रिंसिपल को यूज़ करके इसको किया है। तो अब नीचे हम लोग इसको कनेक्ट कर देंगे। तो दिस इज़ द सबमर्सिबल कंट्रोल पैनल, तो जहाँ से हम इसको ऑफ करते हैं एंड यहाँ से ऑन करते हैं, लाइक दिस, राइट। तो हमें क्या करना है, ऑफ वाला सिस्टम लगाना है, तो इस स्विच को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये बॉक्स खोलेंगे यहाँ से, बोला सबसे, तो ये ग्रीन वाला स्टार्ट का और रेड वाला स्टॉप का, तो ये MCB है, ठीक है। पर उससे पहले मैं आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ कि किस फंडामेंटल पे हम लोग ये सेट कर रहे हैं। तो मैं मोटर चलाता हूँ, राइट, चला दिया, सी मोटर चल रहा है अभी, राइट, ये लाइट जल रही है। अगर मैं इस रेड वाले स्विच का एक वायर भी निकाल दूंगा तो ये ऑफ हो जाएगा, सी, देखो बंद हो गया, बंद हो गया। दैट इज़ व्हाट वी विल डू हियर। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने जो ऊपर से दो वायर लेके आए वो उस फ्लोट स्विच में कनेक्ट करके, अब हम क्या करेंगे, एक वायर को इसमें लगाएंगे और दूसरे वायर को इसमें लगाएंगे। तो क्या होगा, हमने एक तरह से स्विच लगा दिया, तो क्या होगा, जैसे ही पानी बढ़ेगा वो फ्लोट ऊपर होगा, स्विच प्लंजर दबाएगा और ये कुछ मोमेंट के लिए डिस्कनेक्ट हो जाएगा और मोटर ऑफ हो जाएगा। तो हम कनेक्ट कर देते हैं, उससे पहले MCB गिरा देते हैं, अब करते हैं वायरिंग। सो देखो हमने कनेक्ट कर दिया, देखो एक वायर जो ऊपर स्विच से आ रहा है वो एक इसमें डायरेक्ट हमने स्विच में लगा दिया, दूसरे साइड ये, एंड जो दूसरा है वो जो वायर पहले इसमें लगा हुआ था ये ब्लू वाला, उसको हमने इससे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अब इसको टेप कर लेते हैं। सो हमने इसको देखो लगा दिया अब, एंड ये, तो इसको हमने एक यहाँ लगाया स्विच में और दूसरा वायर में जो पहले से लगा हुआ था, अब उसको टेप करके इसके साथ प्रॉपरली रोट कर दिया, ताकि जब हम इसको बंद करें तो ये प्रॉपर लग जाए, और ये रहा इसका वायर, राइट। अब इसको बाद में प्रॉपर से चैनल कर देंगे, अभी फ़िलहाल के लिए लगा दिया। एंड हमें क्या करना है अब कि ये प्रॉपरली अब लग जाए, लगने में दिक्कत ना हो। MCB इसका ऑन कर देते हैं, कर दिया, एंड इसको लगाते, लगा दिया, ओके, हो गया। मेन पावर यहाँ से ऑन कर देते हैं, कर दिया, पावर आ रहा है, ऑन करके देखते हैं, ऑन हो गया, करेक्ट। तो ये यहाँ से भी ऑफ होगा और ऊपर से भी ऑफ हो जाएगा, क्योंकि अभी वो फ्लोट स्विच क्या है, ऑन है, और जैसे ही पानी भरेगा और उसका वो प्लंजर, उसका जो मैंने स्विच दिखाया था वो उसको दबाएगा तो ये ऑफ हो जाएगा, दैट्स इट। तो ऐसे ही हम लोगों को ये ऑटोमेटिक सिस्टम बनाना था, और इस तरह से हमने एक सिस्टम बना लिया जो क्या करेगा, टंकी में पानी भरेगा और आपका मोटर जो है वो ऑफ हो जाएगा, दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।